नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां कुसुम सोनिया। सब तो पहला चुनवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दिफू विच अमन एकता ते विकास रैली नूं संबोधन करनगे। 500 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वालियां योजनावां दा रखणगे नीं पत्थर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनियां शर्तां उपर दुनिया नाल रिश्ते निभाएगा। माली वरे 2020-21 लई GST दी भरपाई वजों राज्यां नूं 2,78,000 करोड़ रुपए दी रकम जारी हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण दा आंकड़ा 188 करोड़ 40 लाख तो पार होया। अते जम्मू कश्मीर दे पुलवामा विच सुरक्षा बलां नाल मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे ते जा रहे ने। कार्बी आंगलोंग जिले के दिफू विच प्रधानमंत्री अमन एकता ते विकास रैली नूं संबोधन करनगे, जिस नाल खेतर विच अमन नूं हल्लाशेरी मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री सिक्ख्या के खेतर विच 500 करोड़ रुपए तो वध लागत वालियां वख-वख योजनावां दा नीं पत्थर रखणगे। इन्हां विच दिफू विच पशु चिकित्सा कॉलेज, आंगलोंग विच डिग्री कॉलेज ते खेतीबाड़ी कॉलेज प्रोजैक्ट भी शामिल ने। इन्हां योजनावां नाल खेतर विच रोजगार दे नवें मौके पैदा होणगे। प्रधानमंत्री वालों 7 कैंसर केयर हस्पतालों का उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस वरे की यह पहली विदेश यात्रा होगी। दौरे के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज नाल दुवल्ले मामलों उपर गलबात करनगे। दोवें नेता 6वें भारत जर्मन अंतर सरकारी संवाद की प्रधानगी भी करनगे। दूजे गेड़ में प्रधानमंत्री डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। वह डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन के सद्दे ते उत्थे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डेनमार्क की मेजबानी में हो रहे दूजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश दौरे के आखिरी गेड़ में प्रधानमंत्री कुछ समय लिए पैरिस में रुकणगे ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल गलबात करनगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपनियां शर्तों उपर दुनिया नाल रिश्ते निभाएगा अते इस मामले में भारत नूं किसी की सलाह की लोड़ नहीं है। नवी दिल्ली विच कल खत्म होए रायसीना संवाद विच जयशंकर ने कहा कि दुनिया नूं खुश रखण दी बजाए असी इस आधार उपर दुनिया नाल संबंध बनाउणा चाहुंदे आ कि असी कौण आ। उन्हां कहा कि वह दौर बीत गया है कि दुनिया सानू साडे बारे विच दसे ते असी दुनिया तो इजाजत लईए। विदेश मंत्री ने कहा कि आउंदे 25 सालां विच भारत ग्लोबलाइजेशन दा केंद्र होवेगा। जद असी 75 सालां नूं पिछे मुड़ के वेखदे आ ते सिर्फ लंघे 75 साल ही नहीं वेखदे बल्कि आने वाले 25 सालां नूं भी वेखदे आ। उन्हां कहा कि असी दुनिया नूं इह दसण विच कामयाब रहे आ कि भारत लोकतंत्रिक देश है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माली वरे 2020-21 लई वस्तु अते सेवा कर GST दी भरपाई वजो राज्यां नूं 2,78,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की जा चुकी है। मंत्रालय वालों दस्या गया है कि इस साल का कोई बकाया बाकी नहीं है। साल 2021-22 लई केंद्र वालों 7,35,00,000 करोड़ रुपए की रकम राज्यां नूं दित्ती जा चुकी है अते इस वरे की सिर्फ 78,704 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की मजबूती लिए खेतीबाड़ी खेतर मजबूत होना लाजमी है। देश भर में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम हेठ कल फसल बीमा पाठशाला दौरान वर्चुअल माध्यम राही 1 लाख तो वध किसानां नाल गलबात करदिआं तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना तहत केंद्र सरकार नूं किसानां तों प्रीमियम दे रूप विच 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने दस्सिआ कि सरकार वालों फसलों के नुकसान के दावियां लई किसानां नूं 1,15,000 करोड़ रुपए की रकम दित्ती गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करदिआं तोमर ने कहा कि इस योजना तहत रजिस्टर्ड 11,500 करोड़ रुपए किसानों नूं 1,82,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। उन्होंने दस्सिआ कि केंद्र सरकार किसानों की आमदन वधाउण ते ध्यान केंद्रित कर रही है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि केंद्र सूबा सरकारां नाल तालमेल बना के किसानों की भलाई वास्ते कई योजनावां ते काम कर रहा है। तोमर ने दस्सिया कि केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन योजना ते काम कर रही है अते 5 सालां विच इस योजना ते 6,000 करोड़ तो वध रुपए खर्चे जाणगे।
समागम की प्रधानगी करदिआं खेतीबाड़ी राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि फसल बीमा पाठशाला का मुख्य उद्देश किसानों नूं बीमा योजना संबंधी जानकारी देना है तां जो वह बीमा योजना के हर पहलू नूं समझ के इसका फायदा लै सकण। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम दौरान हुण तक 188 करोड़ 40 लाख खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। बीते 24 घंटिया दौरान 2563 मरीज़ कोरोना तो मुक्त होए ने, जिस नाल देश विच सेहतयाबी की दर 98.74% हो गई है। हुण तक 4,25,28,126 लोग कोरोना तो मुक्त हो चुके ने। बीते 24 घंटिया दौरान देश विच कोरोना के 3,303 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। देश विच कोरोना के सरगर्म मरीजों की गिणती 16,980 हो गई है। बीते 24 घंटिया दौरान 4,97,000 तो वध कोरोना के टैसट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्रीगम खेत्र में सुरक्षा बलों नाल होए मुकाबले में 2 अतवादी मारे गए हैं। मुकाबले वाली थां तो हथियार ते गोली सिक्का मिलिया है। जम्मू कश्मीर रेंज के इंस्पैक्टर जनरल विजय कुमार ने दस्या है कि इन अतवादियों की शिनाख्त इजाद हाफीज़ और शाहिद हजूब वजो की गई है। मारे गए दोवें अतवादी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले ने, यह प्रवासी मजदूरों की हत्यावां विच शामिल सन। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने सूबे विच टेलां वाले खेतों तक नहरी पानी की सप्लाई यकीनी बनाने लई कहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों नूं निर्देश दिते कि झोने का सीजन शुरू होने तो पहला नहरां अते माइनरां विच कुछ किसानों वालों बनाए गए नजायज़ मोगे बंद करन ते भन्नतोड़ किए गए मोगियां की तुरंत मुरम्मत की जाए। इस मीटिंग विच उन्हां खेतरां दे विधायक शामिल होए जिन्हां दे इलाकियां विच टेलां उत्ते नहरी पानी की समस्या आउंदी है। ब्रह्म शंकर जिम्पा ने अधिकारियों नूं अरनीवाला भागसर लादुका ममदोट लक्ष्मण बरकतवा और फैजवा माइनर की मुरम्मत से सफाई का काम जल्द मुकम्मल करने के आदेश दिते ताजो किसानों नूं झोने की लवाई विच किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पवे। पंजाब दे सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि सरकार सूबे विच सैर सपाटे नूं हुलारा देण लई वचनबद्ध है अते अपनियां लोक पक्षी ते पारदर्शी नीतियां नाल सैर सपाटे नूं अगले पद्धर तक लैके जाएगी। उन्हां सैर सपाटा खेत्र दे सारे भाईवालां नूं सद्दा दित्ता कि उह देश अते विदेश तों वध सैलानियां नूं आकर्षित करन वास्ते सरकार नाल सही तालमेल बना के काम करन। उन्हां चंडीगढ़ विच मीटिंग की प्रधानगी करदिआं सैर सपाटा विभाग के वख-वख प्रोजैक्टां दा जायजा लिया। उन्हां अधिकारियों नूं हदायत कीती कि विभाग के अजायब घर अते होर इमारतां दा लोकां विच ढुकवां प्रचार कीता जावे तां जो पंजाब दे अमीर सभ्याचार विरसे नूं वड्डे पद्धर ते उजागर कीता जा सके। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार की बस सेवा छेती ही शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि इस बारे दिल्ली सरकार के अधिकारियों नाल मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार दीआं बसां वख-वख शहरां तों शुरू करन नाल यात्रियों नूं किफायती दरां ते सफर की सहूलत मिल सकेगी। पंजाब भवन नवी दिल्ली विच प्रिंसीपल रेजिडेंट कमिश्नर राखी गुप्ता भंडारी नूं मुंबई विच करवाए गए हुनर हाट दे 40वें एडिशन दौरान घट गिणती मामलों बारे केंद्रीय मंत्रालय वल्लों सन्मानित किया गया। उन्हां नूं यह सन्मान घट गिणती मामलों बारे मंत्रालय विच बतौर संयुक्त सकत्तर अपनी तैनाती समय वड्डे पैमाने ते हुनर हाट समागम आयोजित करवाउण विच पाए गए अहम योगदान लई दित्ता गया है। स्थानक कलाकारां ते हुनर नूं हल्लाशेरी देण वास्ते मुंबई हुनर हाट विच देश भर तों 1000 दे करीब कलाकारां ते शिल्पकारां ने हिस्सा लिया। इस मौके बॉलीवुड दीआं प्रसिद्ध हस्तियां भी मौजूद सन। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आरएनयू डीडीके जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते ने। बुलेटिन दे अखीर विच चुणवीआं खबरां एक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज असाम दे दिफू विच अमन एकता ते विकास रैली नूं संबोधन करनगे। 500 करोड़ रुपए तों वध दी लागत वालियां योजनावां दा रखणगे नींह पत्थर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनियां शर्तां उपर दुनिया नाल रिश्ते निभाएगा। माली वरे 2020-21 लई GST दी भरपाई वजो राज्यां नूं 2,78,000 करोड़ रुपए की रकम जारी हुई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 188 करोड़ 40 लाख तों पार होया।
अते जम्मू कश्मीर के पुलवामा विच सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान दो अतवादी ढेर। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ, तुसी भी बाहर जाण लग्या मास्क जरूर लगाओ। इजाजत दियो, नमस्कार।